इंडियन टाइम्स डेली में आपका फिर से स्वागत है और भारत की मुख्य 10 खबरें इस प्रकार हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने बीजेपी के सुपरमैन वित्त मंत्री पर भारतीय अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने के लिए निशाना साधा और कहा है कि वो एक कठिन राह की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार ने इस आलोचना को खारिज कर दिया, जबकि कांग्रेस ने उनके मूल्यांकन का स्वागत किया। भारतीय सेना द्वारा म्यांमार बॉर्डर पर की गई गोलीबारी में कई नागा उग्रवादी मारे गए। सेना ने यह स्पष्ट किया है कि ये एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी। ये घटना तब हुई जब कुछ अज्ञात उग्रवादियों द्वारा भारतीय सेना पर फायरिंग की गई। पाकिस्तान ने मान लिया है कि मुंबई में आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद द हक्कानीज और LET की जिम्मेवारी इस्लामाबाद की है और उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ समय की जरूरत है। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान पर पूर्व सोवियत संघ के कब्जे के दौरान उसके खिलाफ जिहादियों को समर्थन देकर पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों के उदय के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि GST को स्वीकार करने में देश भर में व्यापारियों ने सकारात्मक भूमिका निभाई है, लेकिन उनकी समस्याओं को हल करने के लिए उनका हाथ थामने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और लेस कैश सोसाइटी के लिए निरंतर प्रयास जारी है। म्यांमार बॉर्डर पर भारतीय सेना की कार्रवाई के चलते बुधवार को भारत के प्रमुख इक्विटी इंडाइसेस में बिक्री के दबाव के तहत गिरावट दर्ज की गई। 30 शेयर BSE सेंसेक्स 439.95 अंकों की गिरावट के साथ 39,159.81 पर बंद हुआ और 50 शेयर NSE निफ्टी 132.25 अंकों की गिरावट के साथ 9,739.25 के स्तर पर बंद हुआ। उत्तरी कश्मीर के बंदीपोर जिले में BSF के एक जवान के घर पर एक संदिग्ध आतंकवादी हमले में BSF के जवान की मौत हो गई। उसके परिवार के 3 सदस्य घायल हो गए क्योंकि आतंकी उसके घर में घुस गए थे। इस साल की ये दूसरी ऐसी हत्या है। भारत सरकार पेट्रोलियम उत्पादों को ई कॉमर्स पर लाने की योजना बना रही है। लेस कैश इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पिछले साल डिजिटल मोड से पेट्रोल खरीदने पर छूट की घोषणा की थी। डिजिटल इकोनॉमी में ज्यादा लाभ कमाने के लिए प्रमुख टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल इस साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। सुनील मित्तल ने कहा कि भविष्य में वो मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो के साथ सहयोग करने की आशा रखते हैं। दोनों का आपस में कई मुद्दों पर टकराव है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारत में एक पाकिस्तानी बच्चे की ओपन हार्ट सर्जरी के लिए वीजा जारी किया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने घोषणा की थी कि भारत सभी बोनाफाइड पाकिस्तानी रोगियों के इलाज के लिए वीजा देगा। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को फोर्ब्स मैगजीन की सूची में 8वें नंबर पर रखा गया है, जो 2017 की दुनिया के सबसे ज्यादा पैसा लेने वाली TV एक्ट्रेस हैं, जिसमें मॉडर्न फैमिली की स्टार सोफिया वर्गारा सबसे ऊपर हैं। प्रियंका अकेली ऐसी भारतीय अभिनेत्री हैं जो खुद को 1 जून 2016 से 1 जून 2017 के बीच $10,00,000 कमाने वाली सूची में लाने में कामयाब रही। हमारे साथ जुड़े रहे दोस्तों, हम कनाडा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।